खंडवा जिले के बड़वा स्थित नर्मदा नदी में शुक्रवार दोपहर श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। सभी श्रद्धालु नर्मदा को चुनरी चढ़ाने पहुंचे थे। इस दौरान अचानक नाव पिलर से टकराकर पलट गई। सूचना पर तुरंत गोताखोरों की मदद से 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग लापता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इन समूहों को बड़ी अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जाएगा। जबलपुर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने अब सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। बिश्नोई ने मंत्रियों को जिले के प्रभाव अब तक नहीं दिए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रदेश के सभी जिलों में अनेक समस्याएं समाधान के लिए प्रभारी मंत्री की बांट जो रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन और बर्ड फ्लू की दस्तक ने इंदौरियों को टेंशन में डाल दिया है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल से आई प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 दिन के लिए पूरे इंदौर जिले में चिकन और मुर्गा मुर्गी के व्यवसाय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। बर्ड फ्लू ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं, तो कई जगह एहतियात मार्केट ही बंद करा दिए गए हैं। कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए तैयार है। फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना भोपाल पहुंच रही हैं। भोपाल और बैतूल में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग में वह हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अध्यादेश लाने के बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आते ही एमपी की तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र कानून लाएगी। नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में ई मंडी स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग की 45 ऐसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को चिन्हित किया गया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ पीएचक्यू पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन, मंदसौर, इंदौर में चंदा रैली के दौरान हुई घटनाओं को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब बाबरी मामला हुआ था, लेकिन हमने प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया था। भोपाल के कोलार के बांसखेड़ी में 2 साल के मासूम आर्यन परते की हत्या उसके ही पिता विनोद परते ने की थी। उसे शक था कि वह उसका बेटा नहीं है। आरोपी ने मासूम के सिर पर कड़ा मारकर बेहोश किया, मुंह और नाक में पानी भर दिया था।